कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन और हम जा रहे हैं इनके मामा के घर पे, मेरे भाई के घर पे। आज आपको दिखाएंगे सेक्टर 100 में मेरे भाई का घर, और ये है मेरे भाई का ब्लॉग अगर बनेगा तो, क्योंकि पता नहीं क्या क्या हो जाता जाने के बाद, तो बहुत बिजी हो जाते हैं, बट देखते हैं कितना बनेगा, उतना ज़रूर आपको दिखाएंगे, है ना। हैप्पी रक्षाबंधन सबको। कर कर पड़ी पाड़ने। हाँ, हाउस ये है मेरा माइका, देख लिया जी आपने सब। यही माइका बन कितनी लगा। अच्छा जी, वैसे तो आप मेरी फैमिली में सबको जानते हो, लेकिन आज बता देती हूँ, मेरे दो भतीजी और दो भाई हैं, और मेरे एक भतीजे की शादी हो गई, एक भतीजी की शादी हो गई, दोनों को एक बेटा हुआ है अभी। तो आप देखकर समझ जाओगे आगे ब्लॉग में। भाई पैसा लगाया तो दिखाना भी चाहिए कि लेके आए हैं। और मेरी ये छोटी बहन है। दबाओ ढंग से, दबाओ दोनों हाथों से, दोनों हाथों से दबाओ। मैं शुरू कह रही हूँ, जल्दी चली जाऊँगी। नहीं आपको नहीं लिया, ठीक हो जाएगा, कह रही है शक्ल बना रहे तो ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मैं भाई तो बना दिया लड़का, सुंदर भी आ रहे हैं, वो मैं तो सुंदर हूँ, कोई और आए सुंदर नहीं है, मुझे मतलब नहीं है भाई। ओ रालू, आकाश की तरह रालू है तू, है तैयारी कर लो ड्यूटी की। ड्यूटी की तैयारी कर लो, क्या है खड़े होकर देख लो, एक कौन भूत आ गया तुम्हारे। देखो जी दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं काले कुर्ते में, आइए क्यूटी पाई। ये है राजा बाबू भाटी साहब। आज तुझे भाटी राजा मोटा पैसा मोटी चेन मोटा पैसा। हां सही हूं कह रहा हूं, मौज जानो ना यार, मन ना अपने घर से जाने को, कोई ना जब बड़ा हो जाएगा जब रुपए भेजे करेंगे। हैं देखो जी अब दोनों बाबू जी एक साथ लेटे हुए हैं, एक जैसे कपड़े पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भाई हैं, फिर भी इनके लिए एक जोड़ी और कुर्ता पजामे लेकर आए हैं, क्योंकि टेलर ने जो सिलकर दे रहे थे वो अच्छे नहीं दिए, तो नए खरीद लाए जबकि इनके पास ऑलरेडी थे भी। ये बैठे फिल्म देखिए कुछ इन दोनों को देखो, मतलब ये तीन लोगों ने ट्यूनिंग बिठाई है और चौथी मेरी बहन, और हमें पता ही नहीं है, कोइंसिडेंसली हो गया इनका। चलो फोटो ले लूटाऊ या कहीं इधर वाला हाथ हटाओ। दोबारा मिठाई खाएगा थोड़ी सी, बस सॉरी। त्रिमूर्ति कैसे बैठे फोटो बना रही हो। अच्छा तो ये मेरा भतीजा और इसकी वाइफ, और भाई भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखे,
इसने फ़ोन करा कि लाला की पहली राखी है तो बुआ प्लीज़ जल्दी से आ जाना, इसीलिए इस बार मैं पहले आ गई। हर बार क्या होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, पिछली बार भी इसने बुलाया बट मैं बहुत लेट हो गई। बुलाते हैं सब भाभी भतीजी भतीजे सब फ़ोन करके बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब इतना अच्छा परिवार मिला है। हम ब्लेसिंग्स देते भाई ढेर सारी के, बस इतनी खुशियाँ और इतना प्यार हमेशा बना रहे हमारे घर परिवार में। भाई बहुत देर से वेट कर रहे थे कि भाई बांध दो राखी जल्दी से। यहाँ पे देख लो मैं और भाभी है ना एक गहरे सोच में डूबे हुए हैं। भाभी इस सोच में डूबी हुई है कि भाई आराम से रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी मत मचाओ जाने की। और मैं ये कह रही हूँ कि भाभी मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं तो मुझे जाना है, मुझे चाचा जी के घर भी जाना था राखी बांधने छोटे वाले पापा के, तो मैं यही बोले जा रही थी कि भाभी यार जल्दी जल्दी बंधवा लो। तो ये होता ही है हमारे साथ यार, सारी शादीशुदा लड़कियों के साथ ही ये, तो आप एग्री करोगे कि प्रॉब्लम होती है कि भागम भाग में पूरा त्यौहार निकलता है, तसल्ली से नहीं निकलता कि पहले ससुराल में फिर मायके में फिर दोबारा ससुराल में। तो ये वाली रिचुअल्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं कि भगवान ने ये इतना अच्छा त्यौहार बनाया भाई बहन के प्यार का। बट यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टूड करना चाहिए कि जैसे होता है ना कि फ़ोन पे फ़ोन करने लग जाते हैं तो बहुत पजल हो जाते हैं कि कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाते कि जाना है। सारी भाभियाँ सूट देती हैं, बहुएँ सूट देती हैं बुआओं को, भाई ये रिचुअल चला रखा है हम क्या करें, और हमारी नंदों को भी हम देते हैं, तो ये चल ही आ रही है प्रथाएँ। भाभी कह रही हैं बता और क्या चाहिए तुझे, कितने चाहिए। और इसमें है ना कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। जिसको जिससे जितना प्यार होगा, आप इतने प्यार से बिहेव करते हो, आप आने पर अच्छे से प्यार से बात करते हो, यही बहुत होता है बहनों के। तो फ्रेंड्स ये है मेरी छोटी भाभी, ये कैमरे पे बहुत कम आती हैं, आपको भाई दिखती भी कम होंगी मेरी रील्स में मेरी वीडियोस में, क्योंकि इनको बिल्कुल भी शौक नहीं है। वैसे मेरे घर में है ना किसी को भी शौक नहीं है, सिर्फ मुझे शौक है, तो मैं अपनी मेमोरीज कलेक्ट करती हूँ इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। बल्कि पता है सब शर्माते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे कि ओहो कैमरा ऑन हो गया, नहीं कराना है, मत करो प्लीज़ मत करो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मेरा सिर्फ एक ही पर्पस होता है वीडियो बनाने का कि जब मेरा मन करे मैं ओपन करूं और देख लूं इन्हें और खुश हो जाऊं। रक्षाबंधन पे सारी बेटियों की मौज आ जाती है कि मायके से भैया उनकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, कपड़े पैसे मिठाइयाँ, मतलब ये अच्छी बात है कि रिचुअल्स बना रखे हैं बहनों के लिए। तो जी हमने खा लिया खाना और भाभियाँ चली गई अपने अपने घर के लिए क्योंकि उनकी भी राखी थी, और यहाँ पे मैं भी विदा हो गई। अट्टा जा रहे हैं अब हम लोग और 48 में, क्योंकि वहाँ पे रहते हैं भाई हमारे दूसरे, वहाँ पे जाएंगे घर पे। ये हमारी बहन जी रेन बनी बैठी है। तो देखो हम जैसे थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो भाई फोन पे फोन करके कहते हैं हम सुबह से भूखे बैठे हुए हैं कितनी देर में आएगी, जैसे हमारे लिए व्रत रख के बैठे हैं। मेरे स्मार्ट से देखो नजर ना लगे इसको, ये इंतजार कर करके बेचारा हमारी याद में भूखा प्यासा बैठा हुआ। सुबह से मेरे भाई ने पानी भी नहीं पिया, मैं सोच रही बोल ही ले। ओ भाई वीडियो तने ऑन न करी ले, मैं तो रीटेक लेना पड़ेगा मुझे। मेरे साथ तो धोखा करा इन्होंने, आजा साथ में खड़ी हो जा। अब देखिए राहुल आ गया ना, अब गाना अब याद कर। मम्मी का बॉन्ड देती है ठीक है, तो मैं थोड़ी तो करवाता है देव। क्या तुम मेरी बुआ को लाइक करो तो सब्सक्राइब करो, मेरी बुआ को लाइक करो। अयो कहेगी पिज्जा ऐसे बोल रहा था, क्या चाह रही है हमारे भाई छोटे बच्चों को मारता है। मैं बैठ जाती हूँ।
तो ये है हमारे सबसे छोटे भाई। नहीं खुश हो जाओ, मैं तो मुहूर्त में ही शॉर्टकट में कर लो इस बार, मुहूर्त में ही चलेंगे सारे काम, है ना? ओके भाई। देख लो भाई, तो मेरे मोंटी भाई भी हैं जो नहीं मिल पाए इस बार मुझे। तो ये दोनों छोटे पापा के बेटे हैं, बड़े भाई देवेंद्र भाई, लालू भाई, और मेरी सारी की सारी भाभी डेढ़न है। हम बहुत लेट पहुंचे थे इसलिए भाभी सारी मायके चली गई, वरना हर बार हमें मिलती हैं ऑलमोस्ट। मेरी फैमिली में सब लोग कम बोलते हैं, मेरी भी यहाँ शादी होगी कोटला में तब से मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया मैंने। और यहाँ पे भाई मेरे बच्चों को भेंट देते हुए, उनको बोलते हुए बेटा अंदर चल लो, लेकिन बच्चे को जल्दी थी बहुत ज़्यादा कि नहीं मामा जी प्लीज़ जाने दो, बुआ हर वेट कर रही है इसलिए। तो ये हमारे छोटे चाचा जी के घर पे अट्टा विलेज में रहते हैं अभी, अभी कुछ दिन बाद ये भी हमारे पास ही रहने आ जाएंगे। तो राखी बांधने के लिए देखो अब सब अलग अलग जगह रहते हैं तो अलग अलग जगह ही जाना पड़ता है, लेकिन यही है त्यौहार है, बुलाते हैं इतने प्यार से तो आना भी ज़रूरी है। तो भाई मैं कहती हूँ बहन भाई का प्यार इतना बना रहे, हमारी भाभियाँ हमें ऐसे ही प्यार करती रहे, हमारी मम्मी हमें बुलाती रहे, ऐसी भाभियाँ सारी बुलाती रहे, बस और चाहिए क्या लाइफ में बहनों को कि ये प्यार बना रहे बस। ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं, सारे भाइयों इतना प्यार करते हैं सारी बहनों को कि हमेशा वेट करते हैं। भाई कह रहे थे मैं सुबह से वेट कर रहा कि इस बार अभी तक कोई आई नहीं है, इस बार मुहूर्त था इसलिए हम लोग लेट हो गए। हाँ वे सब वेट ही कर रही है मैं सारे। ये हमारा अट्टा गांव है, ये हमारे अट्टा गांव की मार्केट है। जिंदगी में गम है, गम में हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये था मेरा मायके का व्लॉग।